आईपीएल 2020 की शुरुआत में है सिर्फ एक हफ्ता बाकी और आज हम करेंगे स्क्वाड एनालिसिस टीम केकेआर की। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एनालिसिस करेंगे आज हम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहाँ पे हम बताएंगे आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रेंथ के बारे में, उनकी वीकनेस के बारे में और उनकी बेस्ट इलेवन के बारे में यूएई की पीएच को ध्यान में रखकर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। दोस्तों आप है स्पोर्ट्स मैनिया पे, तो चलिए शुरू करते हैं ये एनालिसिस टीम केकेआर के ऊपर और यहाँ से ही शुरू होती है हमारी आईपीएल की स्क्वाड एनालिसिस जर्नी। तो दोस्तों इस वीडियो की हमने चार पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला जो पार्ट है वहाँ पे हम आपको बताएंगे इस टीम की स्क्वाड के बारे में, यानी कि 2020 आईपीएल में इनकी स्क्वाड के बारे में। दूसरा जो पार्ट है वहाँ पे हम आपको बताएंगे इनकी स्ट्रेंथ के बारे में। तीसरे में बताएंगे हम आपको इनकी वीकनेस के बारे में और लास्ट पार्ट में हम आपको आपके लिए लेकर आएंगे इनकी बेस्ट इलेवन। तो इनकी जो 2020 की स्क्वाड है वहाँ पे आप पाएंगे बैट्समैन की तरफ अगर रुक करें तो पाएंगे दिनेश कार्तिक, यॉन मॉर्गन, निखिल नाइंग, नितेश राणा, राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, शुभमन गिल, सीतेश लाद, टॉम बेंडन। जी हाँ दोस्तों, इनको पाएंगे आप उनकी बैट्समैन में। और बहुत सारा यंग इंडियन प्लेयर है बहुत बढ़िया बढ़िया, दो फॉरेनर प्लेयर्स भी, एक है टॉम बेंटन, दूसरा जो है वो है यॉन मॉर्गन। अब चलते हैं इनकी ऑलराउंडर्स की तरफ और ऑलराउंडर्स में आप पाएंगे तीन नाम। पहला जो है आंद्रे रसेल, दूसरा जो है सुनील नारिन और तीसरे जो है वो है क्रिस ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, ये है उनके ऑलराउंडर्स। अब चलते हैं उनकी बॉलर्स की तरफ और बॉलर्स की तरफ अगर रुख किया जाए तो वहाँ पर हम पाएंगे कमलेश नगरकोटी को, कुलदीप यादव को, लॉकी फर्गुसन, एम सिद्धार्थ, पैट कमिंस, प्रशित कृष्णा, संदीप बुआरिया, शिवम मामी और वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, यह है उनकी स्क्वाड। और उनकी अगर स्पिनर्स के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे आप पाएंगे क्रिस ग्रीन, सुनील नारिन, कुलदीप यादव, एम सिद्धार्थ, वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, यह है उनकी स्क्वाड। प्रवीण तांबे और हैरी गर्नी नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। उनकी रिप्लेसमेंट अभी भी अनाउंस नहीं किया गया, जब किया जाएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारी जो पहला पार्ट जहाँ पे हम आपको उनकी स्क्वाड के बारे में बता दिया। अब चलते हैं हमारी सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पे है इस टीम की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस टीम की जो पहली स्ट्रेंथ है वो है इनकी स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर। और दोस्तों 2019 की आईपीएल की अगर बात किया जाए तो वो वहाँ पे इनकी मिडिल ऑर्डर पे थे डीके, थे नितेश राणा, थे आंद्रे रसेल। फिर भी जो इनकी मिडिल ऑर्डर थी वो इतना सेट नहीं था, शुभमन गिल के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया। और इसीलिए 2020 की जो आईपीएल ऑक्शन थी वहाँ पे इस टीम ने खरीदा इंग्लैंड टीम की कप्तान एवन मॉर्गन को, और इनकी आते ही इनकी मिडिल ऑर्डर बन गया एकदम सेट और बहुत ही बढ़िया एक मिडिल ऑर्डर, जहाँ पे आप पाते हैं नीतीश राणा, आप पाते हैं दिनेश कार्तिक, पाते हैं एवन मॉर्गन और पाते हैं आंद्रे रसेल। जो चार नाम है अपने आप पे एक मैच विनर है और ये है इनकी पहली स्ट्रेंथ। अब चलते हैं इनकी दूसरी स्ट्रेंथ पे, जो है पावर हिटर्स। पावर हिटर्स पैक्ड टीम है दोस्तों। ये पाते हैं आप आंद्रे रसेल को, जो थे 2019 की आईपीएल में हाई स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर। आप पाते हैं सुनील नारिन को, जो केकेआर की अगर आईपीएल हिस्ट्री की बात किया जाए तो है सेकेंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी और है एक पिंच हिटर। आप पाते हैं दिनेश कार्तिक को, जिनकी स्ट्राइक रेट थी 2019 आईपीएल में 147 की। आप पाते हैं एवन मॉर्गन को, जो इतने बढ़िया फॉर्म में है, सब लोग देख रहे हैं जो रिसेंट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के, वहाँ पर भी कितने अच्छे फॉर्म में थे। अब चलते हैं इनकी नंबर तीन स्ट्रेंथ पे, और जो है कोर ऑफ गुड इंडियन यंग प्लेयर्स। जी हाँ दोस्तों, यंग इंडियन प्लेयर्स की एक बहुत ही अच्छा कोर टीम है इनके पास, जहाँ पे है शुभमन गिल, है नितेश राणा, है कमलेश नगरकटी, है कुलदीप यादव, शिवम मावी, प्रशित कृष्णा। बहुत ही पैक्ड एक यंग टीम है और अब तो उन्होंने ले आया है राहुल त्रिपाठी और सीतेश लाठ को भी। अब चलते हैं नंबर चार पे, यानी कि इनकी नंबर फोर जो स्ट्रेंथ है, और इनकी नंबर फोर स्ट्रेंथ है इनकी परफेक्ट मैच विनर्स। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टीम है जहाँ पे चार पांच आप मैच विनर्स पाते हैं। आप पाते हैं आंद्रे रसेल, आप पाते हैं पैट कमिंस, आप पाते हैं एवन मॉर्गन, आप पाते हैं सुनील नारिन, पाते हैं दिनेश कार्तिक। ये जो पांच नाम है, ये पांच नाम आपको किसी भी मुकाम से मैच को अपने तरफ घुमा सकते हैं। तो ये जो है परफेक्ट मैच विनर्स, ये है इनकी एक और स्ट्रेंथ। और अगर इनकी एक और स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो वो है CPL, यानी कि
कैरिबियन प्रीमियर लीग में सुनील नारायण की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस और बहुत ही बढ़िया फॉर्म। जितना अच्छा उन्होंने बैट से परफॉर्म किया उतना अच्छा उन्होंने बॉल से भी परफॉर्म किया। तो ये है इनकी जो स्ट्रेंथ। अब चलते हैं इनकी वीकनेस की तरफ। इस टीम की वीकनेस के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, केकेआर एक ऐसा टीम है जो ऑन द पेपर और ऑफ द पेपर दोनों जगह पे ही बहुत ही बढ़िया बैलेंसिंग टीम रहता है, लेकिन हर टीम की कुछ वीकनेस होता है और इस टीम की भी वीकनेस है। और इस टीम की जो पहली वीकनेस है वो है इनकी इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन बोलिंग लाइनअप। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो इंडियन बोलिंग लाइनअप है वहाँ पे आप पाते हैं कमलेश नगरकटी पाते हैं, शिवम माबी पाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा पाते हैं, संदीप वारियर को। इन चार जो नाम है बहुत ही बढ़िया नाम है, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। कमलेश नगरकटी तो दो सीजन से इंजरी के कारण नहीं खेले, बाकी जो तीन खिलाड़ी है इन्होंने खेला है कुछ साल आईपीएल केकेआर से, लेकिन इतना कुछ बढ़िया स्ट्राइक बोलर्स नहीं है, नहीं है कुछ बढ़िया डेथ बोलर्स। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा वीकनेस है इस टीम की दृष्टिकोण से। अब चलते हैं इनकी दूसरी तरफ वीकनेस की तरफ। और दूसरी जो वीकनेस है इस टीम की वो एक समय इनकी बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इनकी स्पिन डिपार्टमेंट की, जहाँ पे नहीं है कुछ ज़्यादा वैरायटी। आप पाते हैं दो बढ़िया नाम, एक है कुलदीप यादव और दूसरा जो है वो है सुनील नारायण। नहीं है कुछ और बड़ा नाम, वरुण चक्रवर्ती की नाम आप ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मैच खेला है आईपीएल में। आप ले सकते हैं क्रिस ग्रीन की नाम जो है एक ऑलराउंडर, लेकिन उन्हें लाया गया है सिर्फ बैकअप की तरफ से। और अब जो आईपीएल हो रहा है यूएई में, जहां पे स्पिन आपको लगेगा ही लगेगा, तो ये बहुत ही बड़ा वीकनेस है इस टीम के दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस टीम की तीसरी वीकनेस पर, और जो है नो बैकअप ऑफ रसेल। जी हाँ दोस्तों, रसेल की कुछ बढ़िया बैकअप नहीं लिया गया है। टीम की अगर चौथी वीकनेस के बारे में बात करें तो ये है इनकी लैक ऑफ डेथ बोलर्स। जी हाँ दोस्तों, इनके पास कुछ बढ़िया डेथ बोलर्स नहीं है दोस्तों। इन्होंने खरीदा है पैट कमिंस को, लेकिन अगर आप पैट कमिंस के T20 करियर की तरफ रुख करें तो पैट कमिंस जो है वो इतना बढ़िया कुछ डेथ बोलिंग नहीं करते हैं। वो पावर प्ले में अच्छा बॉल डाल सकते हैं, स्ट्राइक बोलर है, लेकिन उनके पास नहीं है डेथ बोलर। अगर आप इंडियन बोलिंग लाइनअप पे भी देखें, वहाँ पे भी कुछ इतना बढ़िया डेथ बोलर्स आप नहीं पाते हैं। पिछले साल तो आपने कुलदीप यादव से भी 18 और 19 भी जो ओवर है वो डाला दिया था, लेकिन क्या आप चाहोगे इस समय यूएई में डालना? तो दोस्तों देखते हैं आगे चल के कि ये जो चार वीकनेस है, ये वीकनेस इस टीम को कितना घटाता है। तो दोस्तों, केकेआर टीम की स्क्वाड एनालिसिस करके और यूएई की पिच को ध्यान में रख के यही जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये हमने आपको बताया। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं इस वीडियो की लास्ट पार्ट पे, जहाँ पे हम बताएंगे आपको केकेआर की बेस्ट 11 यूएई की पिच को ध्यान में रख के। तो दोस्तों, इस टीम की जो ओपनर्स है वो तो है शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी, लेकिन दोस्तों वो ओपन नहीं करेंगे इस टीम की। जी हाँ दोस्तों, सुन के कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि इस टीम की जो शुरुआत करेंगे वो है एक पिंच हिटर और वो है सुनील नारायण। जी हाँ दोस्तों, सुनील नारायण और राहुल त्रिपाठी करेंगे शुरुआत इस टीम की, फिर आएंगे शुभमन गिल। और दोस्तों, इस टीम के अगर मिडिल ऑर्डर की बारे में बात करें तो वहाँ पे आप पाएंगे नीतीश राणा, आप पाएंगे यॉन मॉर्गन, आप पाएंगे दिनेश कार्तिक और फिर पाएंगे आंद्रे रसेल। तो ये चार खिलाड़ी है इस टीम के मिडिल ऑर्डर पे। और इनके अगर चार बोलर्स की तरफ रुख किया जाए तो वो होंगे हमारे हिसाब से पैट कमिंस, फिर कुलदीप यादव, फिर कमलेश नगरकोटी और फिर हो गए वरुण चक्रवर्ती। जो दोस्तों, ये है हमारी जो बेस्ट 11 टीम के केयर की, जहाँ पे आप पाते हैं तीन स्पिनिंग चॉइस सुनील नारायण, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के हिसाब से, और पाते हैं तीन बोलिंग चॉइस पैट कमिंस, कमलेश नगरकटे, आंद्रे रसेल के हिसाब से। दोस्तों, यही है आज की जो वीडियो, यहाँ पे हमने आपको बताया टीम के केआर की स्ट्रेंथ के बारे में, टीम के केआर की वीकनेस के बारे में और उनकी बेस्ट 11 के बारे में और उनकी स्क्वाड के बारे में भी। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, बने रहे स्पोर्ट्स मैनिया पे। और जो टीम है आईपीएल में उनकी भी स्क्वाड एनालिसिस लेके आ रहे हैं हम बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको लगता है कि कोई प्लेयर यहाँ पे इस बेस्ट 11 पे आ सकता है किसी प्लेयर की जगह, तो वो भी ज़रूर बताएं हमको। अगर आपके ध्यान में कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो भी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, बने रहे स्पोर्ट्स मैनिया पे। तब तक के लिए धन्यवाद।